परमेश्वरी के चचेरे देवर को शहर से चिट्ठी आती है। वो स्कूल में चपरासी है। चाची चाहती है कि कोई उसको वो चिट्ठी तुरंत दे आए। उसमें क्या बड़ी बात है, बेटा के लिए आते हो। तू जाएगी? परमेश्वरी धीरज करके स्कूल में उसे चिट्ठी देने चली जाती है। स्कूल का कारकुन उसे ही नई मास्टरनी समझता है और क्लास में बच्चों का परिचय कराने ले जाता है। आइए आप क्लास में चलिए, आइए आइए एक साथ। मगर जब असली शिक्षक आ जाते हैं तब परमेश्वरी का भांडा फूट जाता है। पर उस अनुभव से परमेश्वरी के मन में पढ़ने लिखने की इच्छा जाग जाती है। भावना सही पढ़ रहा था या किशन? जरा मैं भी तो जानूं। नौकरी तो करेंगे नहीं। वही तो, सासू जी कहे ना कहे उनके नाम पे तू ही बेरी माई को जाके बता दे, वो भी तो अपना ही परिवार है। अब नाक से अगर नथनी गिर पड़े तो उठाकर बाहर थोड़ी ही फेंकनी है, फिर से नाक में ही डालेंगे ना। तो छोटे देवर जी कह रहे थे ये स्कूल वाली नौकरी दिलवाना छोटे पाटिल जी के हाथ में। गणेश देवर जी तो सिर्फ नाटक करते रहते हैं, अब नाटक से क्या पेट भरता है। इन आदमी लोगों को क्या मालूम औरतों पे क्या गुजरती है, बेचारी नानी बहू। ओ माई जी, माई जी, ओ माई जी, माई जी। कौन लक्ष्मी? क्या हुआ बोल, पहले मुंह मीठा कराओ मेरा। अरे क्यों, द्रुपदा के पांव भारी हो गए क्या? नहीं जी, हमारे छोटे देवर जी है ना, उनकी नौकरी स्कूल वाली आपके छोटे लाडले को दे रहे हैं। क्या? अब हमारे वो खेती छोड़ के नौकरी तो करेंगे नहीं, तो सासू जी बोली ये नौकरी घर में ही रहनी चाहिए। हाँ, अब गणेश देवर जी करेंगे ये नौकरी। सच कह रही है तू? लो, झूठ बोले तो कमा ना काटे मुझे। जाइए जल्दी से किसी के हाथों गणेश देवर जी को बुलावा भेज दीजिए, लेखा में देरी क्यों। हाँ, अभी पाटिल जी से बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी ना। छोटे देवर जी कह रहे थे ये स्कूल वाली नौकरी दिलवाना छोटे पाटिल जी के हाथ में है। ओहो, फिर तो दीवार से सर मारते रहो। अरे उनसे तो बात करना बेकार है, वो तो अपनी मन की करेंगे। नहीं माई जी, मैंने तो सुना है बड़े सोच विचार कर करते हैं अपना काम, उसूल के बड़े पक्के है वो। बड़े पाटिल जैसा नहीं है उनका काम। ये बिल्कुल सही कहा तुमने, बड़े पाटिल तो हर बात में क्यों मैंने ठीक कहा ना, क्यों मैंने ठीक कहा ना पूछते ही रहेंगे पाटलन से। नानी बहू कहाँ है? नानी बहू, अरे उधर क्या कर रही है यहाँ? अरे आ तो देख, देख ये लक्ष्मी क्या कह रही है। दीदी कुछ खास बात है? अरे सुबह सुबह ये कोयल हमारे घर कूकने आई है। अरे शत्रुघ्न की वो स्कूल की चपरासी वाली नौकरी हमारे गणेश को दिलवा रही है ये। सास सासू जी? हाँ, रात दिन वो नाटक के पीछे पड़े रहते हैं,
कुछ कमाने लगे तो कितना अच्छा होगा। हाँ री, सुबह का भूला शाम को घर लौटा, यही समझेंगे और क्या। मगर पता नहीं वो राजी होंगे या नहीं, नौकरी शायद उनके बस की बात ही नहीं है। अरे तू पूछ के तो देख। मुझे डर लगता है, एकदम हाथ उठाया तो। नहीं रे, गणेश देवर जी का मिजाज हमारे उनके जैसा गर्म थोड़ी ना है। बिल्कुल, हमारे गणेश का मिजाज भरत जैसा तेज नहीं है। मुझे डर लगता है। तो एक काम कर, तू परमेश्वरी से कहलवा, वो अपनी भाभी की बात नहीं टालेगा। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी दीदी से बात करती हूँ। नाना पति देव, मुझे नाना कहो। क्यों पति तुझे नाना क्यों कहने लगे? अरे बांगड़ू, नाना नहीं, ना ना। हाँ नाना और नाना में क्या फर्क है? देख देख, जब सीता जी और राम जी बात कर रहे हैं ना, तो शूट नका को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझे? सीता मई तू बोल, तू बोल सीता मई। पति देव, मुझे वो हिरन ला के दो, मुझे चोली सीनी है। मेरे प्रिय सीता माई। अरे माई नहीं रे, वो अपने बीवी को माई क्यों कहेगा? हा? मेरे प्रिय सीता जी। अरे जी नहीं, सिर्फ सीता। प्रिय सिर्फ सीता। अच्छा ठीक है, कह 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 जो भी कह। तुम्हें इस वनवास में भी कपड़े गहने की सूझ रही है? पतिदेव, आप कभी मेरी बात को टालते नहीं ना। मैं कभी किसी की बात को टालता नहीं हूँ, इसलिए तो मुश्किल में पड़ गया हूँ। मैंने कभी अपने बाप की बात नहीं टाली, अपने सौतेले माँ की बात नहीं टाली, बाद में तो मैं धोबी की बात भी नहीं टालूंगा। वो धोबी की बात बाद में, धोबी की बात बाद में। सचमुच हर एक परिवार में ऐसा ही होना चाहिए, कोई किसी की बात नहीं टालता। देवर जी, ओ देवर जी। हाँ? चलो पहले चाय पी लो, तुम्हारे लिए गरम गरम चाय ले आई हूँ। भाभी हो तो ऐसी। मैं तो सिर्फ चाय ले आई हूँ, आपको तो मिठाई खिलानी है हम सबको। हाय राम, मैं लूट गया। क्या हुआ? उसके पांव भारी हो गए फिर से। देवर जी कभी तो दूसरी बात सोचो। चाची जी कहती है, जो स्कूल की नौकरी तुम्हारा चचेरा भाई छोड़कर गया है वो तुम ले लो। क्या क्या कहा? मैं और नौकरी? अरे भाभी, अगले नाटक में मैं लंकापति रावण बनने जा रहा हूँ, जिसने सारे देवों को अपने पास नौकर रखा था, और मैं दूसरे के पास नौकरी करूं? अरे क्या बात कर रही है भाभी। अरे भाभी, आप घर वाले हमारी कीमत नहीं जानते। जब एक बार भारत उत्सव का निमंत्रण आएगा और हम सब हवाई जहाज में बैठकर जाएंगे विदेश, तब आपको पता चलेगा कि हम कितने महान कलाकार हैं। अरे कलाकार किसी की नौकरी वोकरी नहीं करता भाभी। कलाकार तो तुम लोग हो ही, मैं मानती हूँ, लेकिन ये नौकरी अपने घर से नहीं जानी चाहिए। एक बार नौकरी गई सो गई। भाभी कौन रोकता है तुझे, रख लेना नौकरी घर में। क्या मतलब? तो क्या सासू जी नौकरी पे जाएगी, या नानी बहू, या मैं? क्यों नहीं भाभी, तुम जाओ नौकरी करने। भाभी जरा सोचो, झांसी की रानी को लोगों ने यही कहा होगा कि तुम कैसे लड़ाई करोगी। उसने कहा होगा मैं जरूर लड़ाई करूंगी, क्योंकि मुझे अपने देश की आजादी जो बचानी है। सावित्री को लोगों ने कहा होगा कि तुम कैसे अमराज के साथ बात करोगी। तो उसने कहा होगा क्यों नहीं, मैं जरूर बातें करूंगी, मैं नहीं घबराती किसी से, मुझे अपने पति की जान जो बचानी है। रुक्मिणी को लोगों ने कहा होगा कि तुम कैसे कृष्ण जी के साथ शादी करोगी। तो रुक्मिणी जी ने कहा होगा क्यों नहीं, मैं जरूर शादी करूंगी, मैंने खुद चुना है अपना पति,
जो समझदार है मुझसे प्यार करता है। अगर कोई हमारे भाभी जी से पूछे कि तुम कैसे नौकरी करोगी तो मैं कहूंगी क्यों नहीं, मैं जरूर नौकरी करूंगी। मुझे अपने परिवार की जो सोचनी है। अपने कलाकार देवर जी के सर पर परिवार का बोझ नहीं थोपना है। बिल्कुल नहीं थोपना है। सासू जी और ससुर जी को आराम देना है, लाड़ी की शादी करानी है और बस भाभी बस, अब सारी बात तुम्हारे समझ में आ गई है। अब तुम्हें सास कहेगी बहू कभी नौकरी करती है भला? बहू को तो सर झुका के घूंघट ओढ़ के अपनी गृहस्थी जो संभालनी है वो कैसे नौकरी करेगी? फिर बहू कहेगी क्यों नहीं, बहू अगर खेत का काम कर सकती है, भैंस बकरी का काम कर सकती है तो स्कूल की नौकरी क्यों नहीं कर सकती? फिर ससुर कहेंगे बहू नौकरी करने लगी तो घर गृहस्थी का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, और जानती भी तो हो ये नौकरी कैसी होगी। कई बार देखा है मैंने, देवर जी सिर्फ झाड़ू लगाते हैं और घंटी बजाते हैं, ये काम मैं नहीं कर सकती। फिर आम लोग कहेंगे और जातू आज तुम कहोगे कि मुझे नौकरी करनी है, कल कहोगी कि आदमी घर की रसोई संभाले, फिर कहोगी कि मेरी आमदनी रोकड़े में महीने के महीने आती है, अब मुझ पर कोई किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकता। औरत जातू, अरे रोकड़ा रोकड़ा क्या कर रहे हो? देहात की औरतें मजदूरी करके रोकड़ा नहीं ले आती घर पे, फिर भी वो अपने घर की जिम्मेवारियां नहीं भूलती। हाँ हाँ, औरत जात को कम न समझ, मन में आए तो कुछ भी कर सकती है, चंडी बन सकती है। वाह भाभी वाह। चुप महिषा सुन, अनदेखा अनसुना काम करने में बुराई क्या है? अब हमारे परिवार में देवर जी से पहले किसी और ने चपरासी की नौकरी की थी कभी? नहीं की थी। हमारे परिवार में देवर जी पहले मर्द थे जिन्होंने चपरासी की नौकरी की। अब घर में पानी भरने का काम कोई मर्द करता है कभी भला है? लेकिन स्कूल में पानी भरने का काम तो वो करते थे। फिर मैंने देहात में किसी औरत को चपरासन की नौकरी करते हुए नहीं देखा, इसलिए आशंका हुई। मुझे तुम्हारी बात मानने में कोई हर्ज नहीं है, पाटिल जी ने पूछा तो मैं हाँ कर दूंगा। क्या मतलब तुम छोटे पाटिल जी से बात कर सकोगी? हाँ, वो स्कूल कमेटी के प्रमुख हैं। तो क्या हुआ, सावित्री ने जो यम महाराज से बात की थी तो मैं छोटे पाटिल से बात न कर सकूं? नरेश, बेरा बाबा की बहू है, ये तुमसे कुछ बात करना चाहती है। अपने गांव के स्कूल में चपरासी की जगह खाली हो गई है, क्या मुझे वो नौकरी मिल सकती है? औरत चपरासी की नौकरी कैसे करेगी? क्यों नहीं करेगी, जब औरत प्रोफेसर भी बन सकती है, मास्टर भी बन सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है, देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, तो चपरासी बनने में क्या मुश्किल बात है? अच्छा अच्छा ठीक है, गांव के लड़के भी तो गुस्से होंगे, ये भी तो मुझे देखना है, तू जा मैं सोचूंगा। पाटिल जी, किसी ने कहा है कल करे सो आज, आज करे सो अब, आप कुछ भी करके मुझे नौकरी दे दीजिए, गांव में दूसरे लड़के हैं ही कौन। देख नरेश, ये औरत होके भी पूरे परिवार के जिम्मेवारी का सोच रही है, तो हमें भी उसको संभालना होगा, तो मान ले। मुझे काम से मतलब है, बाद में अगर घर गृहस्थी के कारण इसके काम में कोई कसूर रह जाए तो मैं इसकी एक न सुनूंगा। अगर ये उसे कबूल है तो चपरासी की नौकरी चाहे औरत करे या मर्द करे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए, अभी तक नहीं आया। अरे वो आएगा, उसका स्कूल खत्म हो जाएगा ना। देखो आ गया, बराबर आ गया। नहीं, नहीं, नहीं,
मचने रुक 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 अरे अरे घर में रुक 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 यार रुक 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 क्या है देख मच्छिंदर मर्द एक दूसरे को धोखा नहीं देते क्यों आज किस औरत को धोखा देना है अरे नहीं यार तू क्यों टांग खींचता है हर बार ठीक धोखा नहीं देना है किसी को अपनी भाभी है ना परमेश्वरी भाभी उसको हम लोगों ने एक बात सिखा कर समझा बुझा कर तैयार किया है तो अब वही बात वो मास्टर जी को भी सिखा कर समझा बुझा कर आ गई होगी तो अब वही बात पाटी जी को भी सिखा कर समझा बुझा कर वापस आ गई होगी तो अरे अब वही बात बेरी माई को भी सिखा कर समझा बुझा कर अरे नहीं ना वही तो बात है पाटिल जी को और मास्टर जी को ऊंची ऊंची बातों में लपेट देना बहुत आसान है मगर बेरी माई को उसकी सास को झांसा देना बहुत मुश्किल है तो अरे तो क्या रे तुझे इतना ही करना है कि बेरी माई को बताना है कि औरत नौकरी कर सकती है मतलब मतलब ये देख लक्ष्मी भाभी मेरे लिए एक नौकरी लेके आई थी पता है ना तो वो तो मैं करने वाला नहीं हूँ क्यों अब क्यों क्या कलाकार है कलाकार नौकरी थोड़ी करता है तो तुझे बेरी माई को ये बताना है कि वो नौकरी अपने भाभी के गले में डालनी बस समझे तो अरे बेरी माई को ये बताना है कि मास्टर जी ने और पाटिल जी ने हाँ बोल दिया है मतलब हाँ नहीं बोला है अभी तक पर मतलब हाँ बोल दिया है हाँ, नहीं बोला है उन्होंने हाँ। लेकिन ऐसा सीधा बोला नहीं है सीधा नहीं बोला बोलेंगे अभी उधर गई है वो अभी नहीं गई है वो नहीं गई है वो हमसे मिली नहीं लेकिन आई नहीं है मतलब गई नहीं है जाके आने वाली है और वो पाटिल जी को और मास्टर जी को वो बोलने वाले कि हाँ बोलेंगे हाँ। तो बेरी माई के पास जाने के बाद हम बोलेंगे नहीं नहीं बेरी माई के पास हम नहीं बोलेंगे बेरी माई के पास भाभी बोलेगी भाभी भाभी नहीं बोलेगी बेरी माई के पास भाभी हमारे पास अरे भाभी हमारे पास नहीं आई भाभी को हम नहीं मिले मतलब भाभी को हम मिले है ना मिले भी थे नहीं क्या तुम समझ रहे हो ना तुम समझ गए ना क्या बोलना है मगर मैं भाभी को बता दूंगा कि तुम कह रहे थे कि वो तुमसे मिली नहीं तू हम पे एक रहम कर हमने तुझे कुछ नहीं बताया क्या और तू भी भाभी को कुछ नहीं बताना क्योंकि मर्द एक दूसरे को धोखा नहीं देते वाह कितना समझ गया चल हम कोई दूसरा गवाह ढूंढते हैं गज्जू तू घर जा तू घर जा चल जा 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 सुना है आपकी बहू अब नौकरी करने जाएगी कौन सी टोकरी की बात कर रहा है तू टोकरी की नहीं नौकरी छोकरी की बात मत कर वो सुनने की उम्र नहीं है मेरी अरे किसके नौकरी की बात चल रही है भाई बेरा बाबा की बहू को पाटिल जी ने चपरासी की नौकरी दे दी है हाँ तो बहुएं नौकरी करेगी अब हाँ क्यों नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी बेटे करते हैं बहुएं भी करेगी हाँ जनतंत्र का जमाना है भाई अगर औरत जात को नीचा दिखाया तो कोर्ट कचेरी भी हो सकती है अरे सारा जमाना ही बदल गया है लेकिन उसकी सास ने इजाजत दी तो हाँ लेकिन अब वो कल स्कूल की दफ्तर में उसका नाम लिखना पड़ेगा तब आएगी मजा तो गच्चू से पूछ एक गच्चू क्या है एक हाँ करने का क्या लेगा एक हाँ का एक रुपया हाँ चल ठीक है आजा अब यहाँ आया तू नौकरी करने जाएगी अरे दिमाग तो नहीं फिर गया तेरा दीदी तुम नौकरी करोगी पाटिल से बात करके आई है आप ही ने तो कहा था कुछ भी करके नौकरी घर में रख अब आपकी बात कैसे टालू मैं मैंने तो घर की सोची लाड़ी की सोची देवर जी की सोची आप मुझे ही टोक रही है तू ज्यादा बोली ना तो जबान ही खींच लूंगी आप हाँ जबान खींचो मेरी लेकिन पाँव मत खींचो धन्य हो धन्य हो धन्य हो मेरी माई तुम धन्य हो तुम महान हो मेरी माई तुम माता हो
तुम धन्य माता हो, तुम काली माता हो। आगे वासु बोलेगा। तुम क्रांति देवी हो बेरी भाई, जो अपने बहू को नौकरी करने के लिए भेज रही हो। मैं उसे नौकरी वोकरी करने कहीं नहीं भेज रही, समझ गए? ये क्या बेरी माँ, ये क्या माँ, तू तो शंख युद्ध युद्ध शंख बजते ही आगे क्या रत्ता मुंह मालूम है, रत्ता मुंह फेरने लगे। चुप रह, ये तेरी नाटक की बकबक मेरी समझ में नहीं आती। माँ, छोटे पाटिल और भाभी दोनों कह रहे थे बेरी माई अपने बहू के पाँव कभी नहीं खींचेगी, कभी नहीं खींचेगी, चाहे तो पूछ ले एक रुपए। ये गज्जू को, गज्जू बोलना। हाँ, एक पाप। अच्छा, ऐसा कहा पाटिल ने? हाँ हाँ, दो पाप। अब ठीक है, जा 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 जा, बहुत हो गया, दोबारा बोल दिया। मगर क्या हुआ, क्या अगर मगर चल रही है? कुछ नहीं बुआ जी, पाटिल ने वो शत्रुघ्न वाली चपरासी की नौकरी हमारी परमेश्वरी को दी है। परमेश्वरी नौकरी करेगी? क्यों नहीं, हम औरत जाति एक दूसरे के पांव खींचती रहती हैं। बुआ जी, लक्ष्मी जी चल के घर के अंदर आई हैं, उन्हें बाहर निकाल कर दूं? पाटिल जी से ऐसे ही ऊंची आवाज में बात की तूने? और चाचे साहब भी थे वहाँ? हाँ। तो फिर रो क्यों रही हो? पाटिल ने कहा कल स्कूल जाकर स्कूल की चौपड़ी में अपना नाम लिखवा देना। मैं तो अंगूठा छाप हूँ, नाम ना लिख सकी तो कल अंगूठा छपवाना पड़ेगा। जाते सोते जगते काम की रट से थकते थकते मन में मेरे एक ही मंत्र बसा आँख में काला अक्षर। उठा लिया है कदम ये पहला उमंग भरा और नया नवेला, पर डर के मारे मर मर जाऊं कल क्या होगा मैं घबराऊं, कल क्या होगा मैं घबराऊं। काला अक्षर भैंस बराबर मेरी जिंदगी भैंस बराबर अकल सी मेरी भैंस बराबर काला अक्षर भैंस बराबर भैंस बराबर।